ये मनीष जी, ये देश के दुश्मन लोग हैं, ये किसी भी तरह का विकास नहीं चाहते, कोई डेवलपमेंट नहीं चाहते, ये बिल्कुल एकदम यहाँ पे जो अर्बन नक्सल, इसी के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 के दिल्ली के चुनाव की रैली में शब्द इस्तेमाल किया था। ये इस दिल्ली को भी उसी तरह के बस्तर और वहां के जंगलों की तरह दिल्ली को भी जंगल बना देने की पूरी तैयारी एक आदमी करके आया है, इसको लाया गया है, इसके आका सब वही बैठे हैं, वो भी अमेरिका में ही बैठे हैं। अब भाजपा इसको कैसे काउंटर करती है, इसके पाप कैसे गिनाती है, पापों की सूची बड़ी लंबी है, बहुत साफ है। और अब की जो ये हरकतें कर रहा है मनीष जी, ये बिल्कुल साफ, इसको ये बड़ा शातिर आदमी है, मैं बता दूं कि इसको बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अब सारा दारो मदार मनीष जी भाजपा के ऊपर है कि भाजपा इससे कैसे लड़ती है। और मेरे ख्याल से अभी जरा तो अब की इसको बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है दिल्ली में, लेकिन उसके लिए अभी से इसने नौटंकी शुरू की है, नौटंकी कोई काम इसके नहीं आएगी। सर चलते चलते एक वीडियो के साथ, या यूं कहें कि नटवर लाल ने कहा है कि हमारा जिक्र होता कि हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, दिल्ली का पूरा बिजली जो है वो पूरा बिजली मैं हो जाएगा, मुफ्त में मिलेगी। नटवर लाल ने याद किया कि शीला दीक्षित का एक ट्वीट उसने साझा किया कि शीला दीक्षित ने तब के बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे को चिट्ठी लिखी थी कि दिल्ली में बिजली 24 घंटे नहीं रहती है। मतलब याद दिलाया कि शीला जी के कारण के दौर में उस समय की सरकार को लिखा गया, नेशनल कैपिटल है कायदे से। मुझे लगता है कि इस नटवर लाल ने तो कांग्रेस को ही नग्न किया है कि भाई कांग्रेस के काल में ऐसा नहीं होता था। लेकिन सोचिए आज के दौर में तो बिहार के सुदूर मेरे गाँव में भी 20-22 घंटे बिजली होती है मिनिमम। ये नेशनल कैपिटल में जो ऐसा नैरेटिव कर रहा है, इस नौटंकी के क्या मायने, मतलब पब्लिक को इस चिरकुटों ने पानी फ्री कर दिया दिल्ली के अंदर, 20,000 लीटर पानी हर महीने फ्री कर दिया, लेकिन जब मैं जेल गया इन्होंने मेरे को जेल भेज दिया झूठे मुकदमे में। आपके मेरे पीछे से मेरे को पता चला हजारों रुपए के बिल आ गए कि नहीं आ गए, कई लोग आए हुए ना, भरने की जरूरत नहीं है, केजरीवाल माफ करा देगा। पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है, दोबारा मुख्यमंत्री बना दो, चुनाव के तुरंत बाद आपके पानी के बिल माफ करा दूंगा सारे के सारे। पहले भी करे थे, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना जितने आपके बकाया बिजली के बिल थे, पानी के बिल थे, सारे माफ करा दिए थे। कराए थे नहीं कराए थे, दोबारा करा दूंगा आपके पानी के बिल माफ। ये तो मतलब कहते हैं कि गुंडई की हद है एक तरह से, कि दिल्ली में तो सरकार इसकी नहीं चली गई। मैंने सुना कि दिल्ली में बहुत जबरदस्त बिजली बिल आया है, तो भेजा तो इसी की चेली ने भेजा होगा बिजली बिल। यही मैं कहने जा रहा था, सरकार किसकी, वहां पर सरकार तो आतिशी मार ली ना की है, तो वो माफ कर दे, बिजली के बिल भी माफ कर दे, पानी के बिल भी माफ कर दे, तो करेगा ये तो। लेकिन ये क्या कर रहा है, माफी तो तब होगी जब चुनाव के बाद सरकार आएगी, तब माफी होगी इस कमीनेपंथी। ये मनीष जी, ये देश के दुश्मन लोग हैं, ये किसी भी तरह का विकास नहीं चाहते, कोई डेवलपमेंट नहीं चाहते, ये बिल्कुल एकदम यहाँ पे जो अर्बन नक्सल, इसी के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 के दिल्ली के चुनाव की रैली में शब्द इस्तेमाल किया था, तो इसी के लिए किया था। ये इस दिल्ली को भी उसी तरह के बस्तर और वहां के जंगलों की तरह दिल्ली को भी जंगल बना देने की पूरी तैयारी एक आदमी करके आया है। और ये आया क्या है, इसको लाया गया है, इसके आका सब वही बैठे हैं, वो भी अमेरिका में बैठे हैं, तो वो एक तरह से अपने उस एजेंडे पे काम कर रहा है कि इस तरह से वोट भी मिलेगा और दिल्ली का सत्यानाश जो होगा सो होगा ही। अब भाजपा इसको कैसे काउंटर करती है, इसके पाप कैसे गिनाती है, पापों की सूची बड़ी लंबी है, बहुत साफ है। और अब की जो ये हरकतें कर रहा है मनीष जी, ये बिल्कुल साफ, इसको ये बड़ा शातिर आदमी है, मैं बता दूं कि इसको बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि मेरी विदाई हो जाएगी दिल्ली से, तो अब ये खुलकर नंगई पे उतर आया है। अब सारा दारो मदार मनीष जी भाजपा के ऊपर है कि भाजपा इससे कैसे लड़ती है। और मेरे ख्याल से अभी जरा महाराष्ट्र का चुनाव हो जाए, अभी भाजपा वहां, मैं भाजपा दिल्ली भाजपा की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, कि उन्होंने तो गजब का काम किया है 10 साल के इसके खिलाफ, मतलब उन्होंने विरोध विपक्ष का तो सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, पूरे देश का विपक्ष शर्मा जाएगा कि ऐसा भी विपक्ष होता है जैसा केजरीवाल के खिलाफ यहाँ दिल्ली में भाजपा रही है। तो मैं दिल्ली भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो राष्ट्रीय स्तर की भाजपा है, वो जरा 23 तारीख का चुनाव खत्म हो जाए महाराष्ट्र का, उसके बाद भाजपा किस तरह से मैदान में उतरेगी और कैसे इसका सामना करती है, उसके बाद तय होगा। अन्यथा
जो राजनीतिक परिस्थितियां मैं देख रहा हूं और जैसे इनके चर्चा लोग जेल गए और जो मैं दिल्ली कुछ लोगों से मेरी बात होती है, तो अब की इसको बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है दिल्ली में। लेकिन उसके लिए अभी से इसने नौटंकी शुरू की है, ये नौटंकी कोई काम इसके नहीं आएगी। वो 23 तारीख के बाद भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर जरा नीचे आए और उसके बाद वो कैसे एक्टिव होती है उसके बाद आपको समझ में आएगा कि दिल्ली में क्या होने जा रहा है। बाकी ये नौटंकी तो मनीष जी ये पूरी आज से मैं हमेशा मैं कह रहा हूँ कि आज से थोड़ी कर रहा है ये, जरा इसके यमुना पे देख लीजिए बयान, इसके शिक्षा पे बयान देख लीजिए, इसके स्वास्थ्य पे बयान देख लीजिए। मैंने इसीलिए तो कहा कि ये वो फोड़ा है कि जहां पे हाथ रख दो वहीं से मवाद बहेगा। हाथ रखने वाला चाहिए मजबूती से, इसका फोड़ा फाड़ देने वाला वो अभी इसके साथ नहीं किया गया है और उसी का ये आनंद ले रहा। 23 तारीख का इंतजार करिए, तब तक दिल्ली में इसने क्या कहा क्या सुना क्या गुना कोई मतलब नहीं है, ये अकेले नाच रहा है। हाँ, लेकिन तब तक कम से कम लोकल भाजपा जो दिल्ली की भाजपा है वह उसको दिल्ली में तो उसको काउंटर करे, फिर बाद में तो बड़ा हमला इस पे होगा। लेकिन 23 तारीख के बाद बिल्कुल, चूंकि छठ आने वाला है और छठ में यमुना जी में लोग उतरेंगे अर्घ देने के लिए, और पूरा यह कहा जा रहा कि यमुना इससे बदतर कंडीशन में कभी नहीं रही। और इस चिरकुट ने हमेशा कहा था यमुना हम टैंक्स बना देंगे, 5 साल हमें दे दो यमुना में हम खुद नहाएंगे। आज देखिए एक और इंटरेस्टिंग, मैंने शो तो किया है आज दिन में, वो जो इसका स्वास्थ्य मंत्री है वो रो रहा है, पूरा अपना यूट्यूब चैनल पे रोना शुरू कर दिया। आम आदमी कोई दूसरे जगह तो इंटरव्यू हुआ नहीं, कह रहा है कि मैंने खाना छोड़ दिया था इसीलिए मेरा वजन कम हो गया। इन लोगों ने नैरेटिव क्या कहा था, जेल में उसको मारा जा रहा है 40 किलो वजन कम हो गया। आज उसने खुद कह दिया कि मैं तो सिर्फ खीरा खाता था क्योंकि मैं बिना पूजा किए हुए जब मंदिर गए खाना नहीं खा सकता था, इसीलिए जेल में मैंने खीरा सिर्फ मैं खाता था। और फपक फपक करके आम आदमी पार्टी के यूट्यूब चैनल पे रोया है। इसने तो पूरी नौटंकी केजरीवाल की खोल दी है कि ये सब जो नौटंकी का, सोचिए कि तिहार का जेल मंत्री था, अंग प्रत्यंग में मालिश कराता था तेल लगा लगा के और कहता था कि जेल में हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। ये तो खुद ही अपने आप को नग्न कर रहे हैं कि शीला जी के समय में बिजली जो है 24 घंटे नहीं होती थी, शीला जी के गए हुए 15 साल से ज्यादा हो गए। मनीष जी ये पिछले 13 साल से नंगे नाच रहे हैं दिल्ली में, 2011 से 2024 हो गया, ये 13 साल से नंगे नाच रहे हैं। एक महीना इनको और नाचने ले दीजिए, जरा नवंबर हो जाए, नवंबर निकल जाए, उसके बाद दिसंबर और जनवरी इन्हीं को समर्पित होगी और हम लोग अपने स्तर से जितनी बात होती बातें करेंगे। नाच लो एक महीने और नाचो, इनको बिना रोके टोके चलने दीजिए। चलिए चलने दीजिए। इस ये कह रहे ना कि इस नटवर लाल को लगता है कि ये चीज इतनी तेजी से ऐसे ही मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन कहते ना काठ की हांडी कहावत है कि एक मुद्दा मनीष जी मैंने उस दिन कहा था, उसका मुझे लगा कि भाई हमारे कहने से कहा या हम लोग को सुनने के बाद किया ये अलग बात है, लेकिन उसके बाद से दिल्ली भाजपा को मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली की यमुना मुद्दा बनी हुई है, बनी वो हर यमुना चर्चा में आ गई। अन्यथा याद करिए वो जब छठ दिवाली वाली बीत जाती थी, जब छठ आती थी उससे एक दो दिन पहले होता था, लेकिन भाजपा ने अभी से उसको मुद्दा बनाया और बढ़िया किया उसको बनाया, मतलब समझिए 10-15 दिन तो हो गए। और आगे भी मैं बता रहा हूँ कि यमुना मनीष जी यमुना ही चुनाव जिता सकते। एक मुद्दा मैं बता रहा हूँ, मुद्दे तो इसके मतलब बता रहा जहां चूली जो वहां से नंगा हो जाएगा, कि एक मुद्दा यमुना पे ही अगर केवल यमुना के अलावा दूसरी बात पे बात ना करे और भाजपा इसको घर तक खदेड़ के आएगी, क्योंकि तो यमुना लाइफ लाइन है मनीष जी दिल्ली की, 20 किलोमीटर बहती है और कभी कभी 40% आबादी उसका पानी भी उसी पर निर्भर करता है, और उसने यमुना को इसने नाले से गलीज कर दिया है। तो उस मुद्दे को कैसे उठाया जाए, जनता तक पहुंचाया जाए और उसका असर बताया जाए पब्लिक से, ये बैठ के पॉलिटिकल पार्टी को तय करना है। अन्यथा एक मुद्दा यमुना और इसके वीडियो में मौजूद है कि 2015 में ये क्या कह रहा था, 2013 में ये क्या कह रहा था, 2019 में क्या कह रहा था और अब 2024 में क्या कह रहा, ये अब भी कोई ना कोई बहाना लेके आ जाएगा। अन्यथा जो आपने कहा कि टेप्स बना दूंगा, ये इसने 2015 में भी कहा था टेप्स बना दूंगा 5 साल में, 2019 में नाला बहता रहा तो इसने अब इसको 2024 तक बना दूंगा और आज भी नाले से बदतर है। तो ये दगाबाजी करने की, इसका दगाबाजी का बिल्कुल सर्टिफाइड उदाहरण है वो। तो अब ये मैंने कहा मैं बार बार उसी बात को कह रहा हूँ कि सारा खेल अब भाजपा पे है, ये इसका खेल खत्म हो चुका, अब कोई इधर से सामने से कोई नहीं खेलेगा। तो दिल्ली भाजपा पे मुझको भरोसा नहीं है और अगर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली भाजपा भरोसा कर लिया तो तीसरी बार भी
उनको यहाँ पे हार का ही सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर एक तो अपने हाथ में कमान लें और प्रत्याशी मनीष जी, ये बड़ा मुद्दा है कि प्रत्याशी, प्रत्याशी का चयन 70 के 70 प्रत्याशी, ये केंद्रीय दिल्ली से ही तय हो, प्रदेश भाजपा का कोई लेना देना कतई ना हो। बिल्कुल, और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कहा, सिर्फ यमुना को मुद्दा यदि बना ले तो इसका पूरा कांड ये बिजली और पानी पर जो नौटंकी कर रहा है, ये पानी की बात करें, पानी की बात करें इससे कब बिजली यमुना कब साफ करोगे, यमुना सब अब कब साफ करोगे, नहीं यमुना क्यों नहीं साफ हुई ये बताओ जरा। बिजली की बात कोई बात करे, यमुना पे आ जाओ, ये यमुना पे इसको इतनी बुरी तरह घेर दो पागल हो जाए आदमी, क्योंकि यमुना ही एक ऐसा पाप है जो 10 साल से दुनिया पूरी दिल्ली देख रही है, और उस पाप का बढ़ाने में ये पूरा इसका भरपूर योगदान है। बिल्कुल, और यदि इस इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, और कमाल की बात यह कि केजरी जैसी, जब कांग्रेस तो खैर खो चुकी है, हुई है सब कुछ, विपक्ष ना विपक्ष है ना सत्ता है ना, ना आपका विरोध कर पा रही है ना सपोर्ट कर पा रही है, ये जिम्मेदारी विपक्ष की कम बीजेपी की है विपक्ष के रूप में कि इस महापाप से दिल्ली को मुक्त कराए। सोचिए, मतलब मैं इसको सुनता हूं तो मुझे अजीब सी बेचैनी हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे जमानत नहीं दी, सालों तक 2.5 साल तक सत्येंद्र जैन जेल में, कभी मुझे नहीं आता भ्रष्टाचार के मामले में 2.5 साल कोई जेल रहता है, और फिर ये कहता है कि मुझे भाजपा ने जेल भेज दिया। ये नैरेटिव बनाते हैं, वो खुद कह रहा है जेल में कि मुझे जेल में मैं खीरा खा के रहता था इसलिए मेरा वेट कम हो गया, और यह नैरेटिव बना रहा कि उसको खाना नहीं मिल रहा, ये अंग प्रत्यंग में मालिश करवाता था जेल में कैदियों से, नौकर बना के रखता था, और ये कहता कि इसके जेल में सताया जाता, ऐसा फरेब करते हुए इन्हें शर्म नहीं। मैं बता रहा हूँ मनीष जी, वो जो जो ट्विटर वाला खेल चलता है ना, वो ट्विटर वाला खेल बंद करिए, दिल्ली के अंदर कम से कम इसके पाप के 1 लाख पोस्टर लगने चाहिए और 10,000 होर्डिंग, ये अब लगातार चुनाव तक लग जाने चाहिए, क्योंकि चुनाव के समय फिर इतनी परमिशन नहीं होती, अभी से पहले इसके 1 लाख पोस्टर और 10,000 होर्डिंग इसके बिल्कुल इसके पाप गिनाते हुए कि ये जहां निकले ये देख के पागल हो जाए, जैसे कहते हैं ना कि मेंटली एकदम हैरेस कर देना, ये मानसिक रूप से पहले ही हार चुका हो चुनाव, इसको इतना करना, लेकिन अब ये करेगा कौन मनीष जी, मैं और हम आप तो जाके करेंगे नहीं कि 10,000 होर्डिंग लगा के, वो जो ट्विटर पे चलता ना कि ट्विटर पे ये कर दिया और ट्विटर पे ट्रेंड करा दिया, ये ट्विटर पे ट्रेंड कराना ही उसका मेन धंधा है, और उसको वो जानता है कि केवल इसी तरह से इनको लिए रहो और भाजपा पूरा सहयोग उनका हो जाता है, और 10 साल से भाजपा केवल ट्विटर पे ही विरोध कर रही है, और इसीलिए जमीन पे साफ हो रही है, इसीलिए जमीन पर साफ हो रही है, ट्विटर पे लड़ रही है, तो ट्विटर पे लड़ना छोड़कर पोस्टर और बैर, ये आज से 15 साल 20 साल पुरानी स्टाइल पे आ जाइए और छा जाइएगा, मेरा अपना मानना है मनीष जी। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी है, मुफ्त में इतनी बड़ी सलाह आपने दे दी है कि यदि इसको अपना ले तो सचमुच निपटा देंगे, और हम कहते हैं कि यदि अपना ले मुफ्त की सलाह यदि मान ले, पर इस कलंक से, केजरी रूपी कलंक से यदि दिल्ली को मुक्ति मिल गई, भारतीय राजनीति को यदि ऐसे कलंक से मुक्ति मिल गई, तो हम समझेंगे हमारा आपका प्रयास जो है गिलहरी सहयोग के रूप में। मैं मनीष जी बता दूं मेरा क्या स्वार्थ है दिल्ली का, दिल्ली मेरा क्या लेना देना, अभी भी कोई नहीं लेना देना है दिल्ली का, मेरा इतना बड़ा स्वार्थ है कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, और 10 साल दिल्ली ने इस जालसाज के, इस दगाबाज के चक्कर में उसको निकाल दिए, अगर दिल्ली में 10 साल भाजपा की सरकार रही होती तो प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली को उसी तरह से विश्व स्तरीय बनाया होता जैसे लंदन या वाशिंगटन की हम लोग बात करते हैं, दिल्ली भी आज की तारीख में दुनिया के नक्शे पे होती, वो प्रदूषण का अड्डा ना बन गई होती, वो यमुना को नाले की तरह बहता हुआ न दिख रही थी। कायदे से मनीष जी शर्माती है कि देश को कहां ले गए प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन वो खुद शर्माते होंगे जब वो सोचते होंगे कि हमारी राजधानी की क्या हालत इसने कर दी, इसके लिए मैंने मुझे गाली निकलती है, तो वो मेरा है कि कम से कम जब देश इतना आगे चला गया तो ये उसको नक्सली बना क्षेत्र बनाने के चक्कर में है, बस्तर का इलाका बनाने के चक्कर में है, तो इससे मुक्ति मिल जाती, अब भी सोचता हूँ शायद अब की मिल जाए, तो अब वो 23 तारीख को मुझको वही उम्मीद है कि महाराष्ट्र का चुनाव होगा, उसके बाद जब केंद्रीय नेतृत्व तो यहाँ पे पैर रखेगा तब कुछ नजर आएगा, अन्यथा तो अरे उससे पहले एक काम हो सकता है, और उस पार्टी के लिए तो बड़ा छोटा काम है मनीष जी, कि इसके पापों का केवल एक पोस्टर बनाकर 1 लाख पोस्टर दिल्ली में लग जाए ये पागल हो जाएगा, और 10,000 होर्डिंग ताकि जाए तो बड़े बड़ा फोटो इसका, और इसके मंत्रियों को बैठ के आप एजेंडा बना सकते हैं कि इसके पाप केवल गिनाइए, अपनी फोटो मत लगाइए, इसके पाप गिनाते हुए पोस्टर
ये आदमी अगर पागल होकर रात में उठ के बैठ ना जाए हमारे उसके तो कहिएगा, लेकिन ये काम क्या दिल्ली और दिल्ली की भाजपा करेगी, देखते हैं। बिल्कुल, मुझे लग रहा है आज आपने इतना महत्वपूर्ण सजेशन दे दिया, यदि ये वायरल हो गया तो इसी का मुझे लगता है पोस्टर की भी बहुत जरूरत नहीं होगी, यदि ये वीडियो ही वायरल हो गया तो बहुत ज्यादा, क्योंकि पब्लिक तक यदि पहुंच गया ये तो इसके मायने, लेकिन फिर भी ये पोस्टर वार ये जरूरी होगा। और कहते हैं कि इससे दिल्ली के कोई इस कलंक से मुक्ति चाहिए। आप कह रहे हैं लखनऊ में बैठ के, मैं तो दिल्ली NCR में रहता हूं, आसमान धरती का अंतर हो गया है नोएडा गाजियाबाद और दिल्ली में देखते देखते, प्रशासनिक रूप से ही नहीं, आप जाए जहां जाए वहीं गंदगी है, आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते दिल्ली की सड़कों पे, लुटियन दिल्ली को छोड़ दीजिए तो आपको गंदगी से पटा हुआ है, पद से बदतर स्थिति है, पिछले 15 सालों में दिल्ली की वो स्थिति नहीं थी जिस आदमी ने कर दी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसा क्या होता है। मुझे लग रहा कि आपके इस एडवाइस को यदि दिल्ली बीजेपी ने मान लिया, पैसा तो उनके पास है वो खर्च कर सकते हैं, सत्ता है भी, यदि इस पे अमल कर लिया हो सकता है दिल्ली को केजरी रूपी कलंक से मुक्ति मिल जाए। और सबसे अहम बात इससे इसलिए मुक्ति मिल जाए कि पूरे देश का कायाकल्प हो रहा, सोचिए बड़ौदा का कायाकल्प हो रहा है, पुणे मुंबई बदल रही है और नेशनल कैपिटल बद से बदतर हो रही है, इस कलंक से मुक्ति चाहिए। हमने तो सोचा कि छोटी सी चर्चा होगी, लेकिन आपने इसको जो रंग दिया है, आपने जो नैरेटिव तय कर दी है, मुझे लग रहा है कि इस पे भी अमल हो गया तो बहुत कुछ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस विश्लेषण को हम लोग यही विराम देते हैं, फिर से सबसे आग्रह करेंगे कि हम लोग अपने लूप प्रयास के इस वीडियो के उस हिस्से को भी कम से कम यदि आप साझा करें, हम भी उसे उपलब्ध कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में से साझा कीजिए ताकि बात जन जन तक पहुंच पाए। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।